हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है लेक्चर नंबर 8, बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, एनएफएसयू एनएफपीटी का जितने ही बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और अगर उनके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस इंक्लूडेड है तो ये लेक्चर्स उन सभी के लिए हैं। यूजी पीजी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक बायोटेक, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जितने भी लोग हैं और जिनके सिलेबस में है, मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस करती हूँ कि भाई आपके सिलेबस में तो ही आएगा, नहीं तो जो है नहीं आएगा, ठीक है। तो जिनके भी सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस है उनको ये लेक्चर्स देखने हैं और अगर आपने ये मेरे लेक्चर्स देख लिए तो इतना आपके लिए सफिशियंट है, ये आपका यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, वो आपको खुद से पढ़ना है। बायोलॉजी के भी लेक्चर्स मेरे सेकेंड चैनल बायोलॉजी बाय प्रियांशी वाले चैनल पर हो रहे हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पर से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। तो दो टॉपिक्स तो मैं आपको पूरे पढ़ा रही हूँ, बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस और आपका जो बायोलॉजी है वो, बाकी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बस बचा वो खुद से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज जो टॉपिक है वो बेसिकली है पुलिस साइंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस। इसके पहले मैंने आपको आईपीसी सीआरपीसी आईए पढ़ाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से पढ़ना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हम क्या पढ़ेंगे मैं टॉपिक्स बता देती हूँ। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, क्या क्वालिटीज होती है, क्या उसकी गाइडलाइंस होती है, विटनेस का इंटरव्यू कैसे होता है, सस्पेक्ट का इंटरोगेशन कैसे होता है, हिस्ट्री क्या है पुलिस सिस्टम की, कैसे बना, कब बना, कौन आया, कैसे आया सिस्टम, वो सब पढ़ेंगे। फिर पुलिस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस का क्या रोल है, क्या पोजीशंस है, पूरा जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़ेंगे। स्टेट और सेंट्रल लेवल पे भी हम इसका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम देखने वाले हैं। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, पर जानना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस फील्ड के बारे में बिल्कुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जो है, अगर आप करियर के बारे में, जॉब के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, इंटरव्यू के बारे में और फॉरेंसिक के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, वो मैं आपको यहाँ पर्सनली गाइड करूंगी। यूजुअली बच्चे जो है अपने यूजी पीजी के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और जिसके लिए आपको कोई समझाता भी नहीं है, गाइड भी नहीं करता है, उस वजह से आगे जाके हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज में। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें और जो है आप मुझसे प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपरली समझें कि क्या करना है, क्या चीजें होती हैं, तो आपको मैं वीडियो कॉल के थ्रू आपके जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूंगी। पूरी वन ईयर की गाइडेंस रहेगी ये। इज दैट क्लियर? तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप फॉर्म भर देना, रजिस्टर कर देना, बाकी की डिटेल्स आपको आपके ईमेल पर मिल जाएंगी। तो चलो भाई, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे। पुलिस साइंस क्या है? पुलिस साइंस, पुलिस साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट टू डील विथ पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग क्राइम। इसमें बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट की मेथड्स दी हुई है कि कैसे उन लोगों से डील करना है जिन्हें क्राइम कमिट करने के लिए अक्यूज माना गया है कि भाई इस आदमी ने जो है, या इस आदमी ने जो है, या इस औरत ने जो है, इस महिला ने जो है कोई क्राइम कमिट किया, ही अक्यूज है, ठीक है। तो उनको कैसे हमें डील करना है, क्या लॉज होते हैं। द प्रेडिसेसर वॉज इंडियन इंपीरियल पुलिस। इसके पहले जो है इंडियन इंपीरियल पुलिस थी 1948 में। इंडियन पुलिस सर्विस रिप्लेस हुआ, ठीक है, इंडियन रिप्लेस इट, ये जो था ना इंडियन इंपीरियल पुलिस, इसको इंडियन पुलिस सर्विस ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और जब हम ब्रिटिश राज से आज़ाद हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए, एट दैट टाइम इंडियन इंपीरियल पुलिस वॉज रिप्लेस्ड बाय इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। फिर ब्रिटिश ने जो है यहाँ पे एक पुलिस एक्ट इंट्रोड्यूस करा था 1861 में, ब्रिटिश राज में उन्होंने एक कोड, इंडियन पुलिस एक्ट इंट्रोड्यूस करा था 1861 में, ठीक है। अब अरे ये पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ चल गया, देखो। तो अलॉन्ग विद इंडियन काउंसिल एक्ट इट क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एंड पर्सनलाइज्ड पुलिस ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया।
तो बेसिकली यहाँ पे जो है 1948 की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन इंपीरियल पुलिस को आईपीएस से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। एक मॉडर्न पुलिस सर्विस लाई गई, आर्टिकल 312(2) पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिया गया है। यहाँ पे देखो आईपीएस और स्टेट पुलिस के जो कैडर होते हैं उनके यहाँ पे ये पूरे सिंबल्स दिए हुए कितने अच्छे तरीके से, डीजीपी, आईजी और डीआईजी, फिर जो है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट के बाद में एसपी, फिर एएसपी, फिर डीएसपी, और ये अंडर ट्रेनिंग में रहते हैं बेसिकली। डीएसपी जो है असिस्टेंट डीएसपी वगैरह अंडर ट्रेनिंग में रहते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट पुलिस का भी एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये बैजेस जो होते हैं ना यहाँ पे कॉलर पे ये दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से जानना किसके में कितने स्टार्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, किस कलर की लाइन्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब देखो इन्वेस्टिगेटर कौन है, इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो डिजाइन करता है, कंडक्ट करता है और रिपोर्ट देता है रिसर्च की। बेसिकली पुलिस में से ही एक जो इंसान होगा, एक पर्सन जो होगा वो इन्वेस्टिगेटर कहलाएगा किसी भी क्राइम सीन का। इन्वेस्टिगेटर का काम होता है कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस के साथ में मिलके इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए, समझ गए, ये काम होता है इन्वेस्टिगेटर का। अब क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक इन्वेस्टिगेटर में, भाई अगर आपको इन्वेस्टिगेटर बनना है तो आपको पुलिस ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखिएगा इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए, ठीक है। तो क्वालिटीज क्या होती है एक इन्वेस्टिगेटर में, क्वालिटीज होनी चाहिए, पहली बात तो गुड एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, डिसेंट प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सोशियबल पर्सन हो, हेल्दी हो, एनर्जेटिक हो, गुड रिटेंटिव मेमोरी, दिमाग का तेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जॉब इंटीग्रिटी, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स तो एकदम टॉप पे होने चाहिए, हर चीज ऑब्जर्व करना आना चाहिए, अनबाइज एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, अवेयरनेस ऑफ बिजनेस वर्ल्ड और क्यूरियस माइंड टू इंक्वायर, ये सब क्वालिटीज एक इन्वेस्टिगेटर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब एक जनरल गाइडलाइन की, एक इन्वेस्टिगेटर है तो जनरल कोई क्राइम सीन पे जाएगा तो क्या करेगा, तो सिक्योर करना है, क्राइम सीन को आइसोलेट करना है, क्राइम सीन का सर्वे करना है, फिर एविडेंसेस को सर्च करना है, एविडेंसेस सर्च करने के बाद में डॉक्यूमेंट करना है क्राइम सीन को, मतलब सारा काम इन्वेस्टिगेटर का नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेटर जो है वो गाइड करेगा, है ना, कि चलो भाई जो फॉरेंसिक फोटोग्राफर है फोटोग्राफर से कहेगा चलो फोटोज लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट करो, इनको बोलेगा ये ऐसा करो, इनको बोलेगा ऐसा करो, फिर कलेक्शन, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन होगी, ठीक है, सारे सैंपल्स की फॉरवर्डिंग होगी लेबोरेटरी में, फिर लेबोरेटरी में जाके बाकी का काम होगा, वो इन्वेस्टिगेटर का काम नहीं है, समझ गए। तो ये एक जनरल गाइडलाइन होती है, ये गाइडलाइन दी हुई होती है। अब इन्वेस्टिगेटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इंटरव्यू और इंटेरोगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, विटनेस का इंटरव्यू होता है, सस्पेक्ट का इंटेरोगेशन होता है, ये डिफरेंस समझना। इंटरव्यू में आप जो है हार्श लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो, आपको प्यार से, क्योंकि वो विटनेस है, ठीक है, विटनेस से आपको बात उगलवानी है, ठीक है, समझ गए, तो आपको बहुत स्वीटली और बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो इंटरव्यू जब होता है तो पहले प्रिपेयर करो एक रैपोर्ट, मतलब रैपोर्ट यानी कि एक फ्रेंडशिप डेवलप करो उसके साथ में, जो विटनेस है ना उसके साथ में एक दोस्ती टाइप की, दोस्ती नहीं की और दोस्त क्या हाल चाल, ऐसा भी नहीं, यानी कि एक रिलेशनशिप की, हाँ वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है, आप उसको जो है सेफ रखोगे, ऐसा एक बना के रखो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, ऐसा नहीं कि आप उसको घुमाऊदार क्वेश्चंस पूछो, ओपन एंडेड कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, फिर उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको समराइज करो, कन्फर्म करो, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दो कि क्या एक्शंस हैं, किस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, और फिर डॉक्यूमेंट भी इंटरव्यू, पूरे इंटरव्यू को डॉक्यूमेंट करो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जो कुछ भी है पेन पेपर से लिखा जाता है वो सब करो, ठीक है। अब सस्पेक्ट का अगर इंटेरोगेशन हो रहा है, देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ ओवरव्यू जानना जरूरी है हर चीज का, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। तो देखो इंटरव्यू सस्पेक्ट का इंटेरोगेशन कैसे होगा, मान लो ये सस्पेक्ट है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आईओ बैठी हुई है इसका इंटेरोगेशन करने के लिए, तो पहले तो केस फाइल पड़ेगी ये, ठीक है, ये मैडम पहले केस फाइल पढ़ेंगी, इनको पता चलेगा ऐसा ऐसा केस है, फिर लीगल राइट्स पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंड लीगल राइट्स, इनके पास में क्या राइट्स हैं और इसके पास में क्या राइट्स हैं, समझ गए। फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उगलवाना है, क्या पता करना है, एटलीस्ट ये पता हो। एस्टेब्लिश अ स्ट्रैटेजी, इनको अपनी स्ट्रैटेजी पहले से बनानी कि हमें इससे कैसे डील करना है। फिर कंट्रोल द एनवायरमेंट,
भाई चारों तरफ एनवायरमेंट ऐसे नहीं बहुत हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, 50 लोग खड़े हैं, ऐसे नहीं होता। शांतिपूर्ण माहौल, अकेला कमरा, शांति से पूछो, समझ गए? फिर पोजीशनिंग, कैसे बैठाना है आपको, सस्पेक्ट आपके सामने बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, कहाँ बैठेगा, पोजीशन करो। बी रिस्पेक्टफुल, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उससे कुछ भी उबड़ खाबड़ बोल रहे हो, बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है? और एस्टेब्लिश कॉमन ग्राउंड, हमेशा एक एक कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश, जैसे वो बात कर रहा है वैसी आप बात करो, जैसे वो आपसे डील कर रहा है, मतलब वो आप उसको ऐसे ऐसे मतलब मैं तुम्हारी हूँ भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर्स, बोलो भाई क्या बोलोगे तुम, ठीक है? ऐसा ऐसे एक डील करनी पड़ती है, ठीक है? फिर एक्सप्लेन दी पर्पस, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता है इंटरोगेशन, ठीक है? ये सिर्फ फन के लिए लगाई गई है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि इसको बीच में बिठा लिया ऐसे कान पे चिल्ला के बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इनके पास में भी अपनी खुद की राइट्स होती हैं। फिर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, नोट इनकंसिस्टेंसीज, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन, ऑब्जर्व रिएक्शंस, और रिएक्शंस देखो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और लीडिंग क्वेश्चंस, आप कुछ भी पूछ सकते हो इसमें, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब आओ इंटरोगेशन ऑफ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का ये सब है कि अब इसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री पर आ जाते हैं हम सीधे कि इंडियन पुलिस सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। तो ये 19th century से चलता आ रहा है, ठीक है? वैदिक पीरियड से, ऋग और अथर्ववेद में भी मेंशन है क्राइम्स के बारे में जो वैदिक पीपल ने बताए हैं, ठीक है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है 310 BC में, ट्रीटीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये बेसिकली कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है? मैनुअल फॉर पुलिस, पुलिस के लिए एक मैनुअल की तरह काम करती थी वो मॉडर्न टाइम्स में। तीन टाइप के पुलिस होते थे उस टाइम पर, दंडपाल, द्वारपाल और अंतपाल, ठीक है? दंडपाल, द्वारपाल और अंतपाल, ये तीन टाइप के पुलिस होते थे उस टाइम पे, यानी कि जब ये कौटिल्य अर्थशास्त्र 310 BC के दौरान। फिर 19th century में मुगल एम्पायर आया और वो धीरे धीरे जो है अबॉलिश होने लगा, और नॉलेज कम होने के कारण जो है ये इनका सिस्टम खत्म हो गया था। फिर जमींदार आए 1792 के दौरान, जमींदार आए, जमींदार ही सब कुछ देखते थे, ठीक है? फिर यहाँ पे जो है नेपियर, नेपियर ने एक मॉडल बनाया पुलिसिंग का, और इंडियन पुलिस एक्ट बोला गया उसको 1861 में, समझ गए? 1861 में आया था इंडियन पुलिस एक्ट। फिर जो पुलिस कमीशन है वो 1860 में अपॉइंट हुआ, समझ गए? और इनका मेन काम क्या था, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। फिर ऑल इंडिया पुलिस कमीशन बड़ा 1902 में, ऑल इंडिया पुलिस कमीशन 1902 में फॉर्म हुआ था, समझ गए? फिर 1920 में ना एक एग्जाम कंडक्ट होने लगा, एक एंट्रेंस एग्जाम इंडियंस के लिए, ओपन फॉर इंडियंस, इसमें इंडियंस जा सकते थे एक एग्जाम देके इंपीरियल फोर्स में, इंपीरियल फोर्स जैसे अब IPS का नाम दे दिया गया है, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हेड ऑफ द पुलिस जो होता है उसको हम बोलते हैं DGP, सबसे ऊपर होता है DGP, ठीक है? तो ये बहुत सारे जोन, रेंजेस और डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करते हैं, DGP टॉप पर आते हैं, ठीक है? फिर डिस्ट्रिक्ट फोर्स को हेड करता है SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट जो है एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा SP, क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही सारी लोकल, स्टेट और सेंट्रल पुलिस आती है, ठीक है? लोकल, स्टेट और सेंट्रल पुलिस आती है, ये समझ में आ गया। अब इसको छोड़ देते हैं, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये समझना है ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टेट, जोन, रेंज, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन, सर्किल और पुलिस स्टेशन, ये एक क्राइटेरिया होता है। हर जगह का अपना अपना हेड होता है कि भाई जो DGP है वो सबको देख रहा है, ठीक है? फिर जो SP है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड है, ऐसे करके जो है, जैसे अब जो है पुलिस स्टेशन का हेड ऐसा ही होगा। तो ऐसे हमें पता होता है कि ये इस जो है जनरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे चलता है। तो ये एक चार्ट दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसमें इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे चाहो तो मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जनरली DGP के अंडर में क्या क्या आते हैं। DGP के अंडर में सारे असिस्टेंट DGP, IG और सब आते हैं, ठीक है? फिर जो ADGP हैं, ठीक है, उनके अंदर जितने भी IGP हैं वो आ जाते हैं। फिर इनके अंदर आएंगे AIG, फिर बाकी के जो लेवल के जो होते हैं SP हो गए, ठीक है? ये देखो DIG के अंदर जो है वो SP आएंगे,
और ये बेसिकली SSP, SP ये सब इनके अंडर में आ जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है इसलिए मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाह रही हूँ, उसको छोड़ देते हैं। हम सीधे आर्म्ड और अनआर्म्ड पुलिस फोर्स पे आते हैं। देखो, दो तरीके की पुलिस होती है, एक वर्दी वाली पुलिस, एक बिना वर्दी वाली पुलिस। वर्दी वाली पुलिस यानी कि आप देख सकते हो इसमें तो जो है डिवीजन होगा, एक मैं ये ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये है आर्म्ड और अनआर्म्ड। आर्म्ड पुलिस के पास में जो है सारे वेपन्स होते हैं, पुलिस की वर्दी होती है और बाकायदा जो है ड्यूटी पर खड़े होना पड़ता है और गन होती है, सब कुछ होता है इनके पास में, ठीक है। तो ये आर्म्ड पुलिस फोर्स है। आर्म्ड का मतलब वही होता है जिनके पास में वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ इसमें आता है। आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, सशस्त्र सीमा बल SSB, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, ठीक है। फिर अनआर्म्ड यानी ये यूनिफॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे, ना इनके पास में वेपन्स होते हैं, बट ये काम सारे करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस वायरलेस DCPW, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, नेशनल पुलिस अकेडमी NPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस NICFS, ठीक है। मतलब जो NFSU है वो बेसिकली यही है, LNGN जो है, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस सर्विसेज DFSS, DFSS के अंडर में सारे के सारे FSLs आते हैं, ठीक है। दिल्ली का CFSL छोड़ के बाकी सारे FSLs इसी के अंदर में आते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये DFSS के बारे में। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIE, ये सब अनआर्म्ड पुलिस फोर्स हैं। अब इनके फंक्शंस वगैरह आपको जानना जरूरी है, तो पहले तो ये समझो, ऑर्गेनाइजेशन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। पावर्स बटी हुई हैं, ठीक है। तो थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बनी सेवेंथ शेड्यूल में जो है थ्री लिस्ट बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब देखना, यूनियन लिस्ट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में स्टेट लिस्ट की पावर है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि ये पावर दोनों के पास में है, ठीक है, दोनों जन के पास में सेम पावर्स है। तो वो देखो, यहाँ पे देखो, यूनियन लिस्ट के पास में क्या पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज बना सकती है, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड रूल्स बना सकती हैं, और दोनों क्या कर सकती हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। इनके पावर दोनों के पास में कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, तीन लिस्ट हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल, ठीक है। चलो अब CAPF की बात करें हम, आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो होता है, हम उसकी बात करें। CAPF में सबसे पहले आती है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के यहाँ पे उनकी ड्यूटी लगती है। फिर BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेन यही है, ठीक है। फिर CISF, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं प्रमाइसिस में, स्टाफ में और प्रॉपर्टी और एस्टेब्लिशमेंट में। CRPF, ये CRPF क्या करते हैं, कहीं दंगा हुआ है, कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा रेयर्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पर क्राउड कंट्रोल करने के लिए, इंसर्जेंसी के लिए, या फिर जो है डील विथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटिज्म, ठीक है। फिर IT, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करें तो ये इंडियन तिब्बत बॉर्डर पर रहते हैं, ठीक है। फिर NSG, ये जो है एंटी हाईजेकिंग ऑपरेशंस करते हैं, एंटी हाईजेकिंग। फिर SSB, इनके में और बताऊंगी, SSB जो है ये आसाम नेपाल की बॉर्डर पर रहते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये मैंने समझा दिया, अब एक एक का और जरा, कब फॉर्म हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कब फॉर्म हुआ है तो आसाम राइफल्स की बात करें तो ये 1917 में बना था। और इनका काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, काउंटर इंसर्जेंसी देखना, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी को देखना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे। फिर BSF, तो ये 1965 में बना है, ये इंडिया की सिक्योर, इंडिया की बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, मतलब फर्स्ट बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी है ये। फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, ये 1969 में बना है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर CRPF 1939 में CRPF बना है, तो असिस्ट स्टेट टेरिटरीज इन पुलिस ऑपरेशन एंड मेंटेन, ये मैंने बताया ना कि रायोट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं और कहीं पे ऐसी बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है जहाँ पे जो है क्राउड को कंट्रोल करना है तो CRPF जाता है। फिर इसके बाद में ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में बना है, पेट्रोल दी 3488 किलोमीटर की इंडिया चाइना बॉर्डर को पूरा देखते हैं, बताओ। काराकोरम पास इन लद्दाख टू डिपुला इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक ये पूरी बॉर्डर पे है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG 1986 में बने हैं, ये कंट्री को टेररिज्म, इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग और जो है ट्रांसनेशनल क्राइम से बचाते हैं, यानी कि बॉर्डर पे जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स होते हैं उनसे बचाते हैं। फिर सशस्त्र सीमा बल 1963 में बना है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो नेपाल भूटान की बॉर्डर पे रहते हैं और बेसिकली वहाँ पे जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आता है 1988 में बना, ये प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनकी फैमिली और जो अदर केसेस होते हैं उन केस में इनको सिक्योरिटी वगैरह देते हैं। समझ गए बात को, अब आ जाओ अनआर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन IB, इनमें आप जा सकते हो। फॉरेंसिक का बंदा जो है अनआर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में इजीली जा सकता है, यानी आप आर्म्ड में भी जा सकते हो बट जो है उनमें फिर आपको एग्जाम्स IPS वगैरह जो है UPSC के थ्रू और MPPSC के थ्रू उसके थ्रू जाना पड़ेगा, जाना इनमें भी उसी के थ्रू पड़ेगा, लेकिन आपका जो है ये अनआर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है कि जैसे कि मुझे CID में जाना है, CBI में जाना है, मुझे जो है इनमें काम करना है, तो ये वही है अनआर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 में बना था, responsible for gathering, analyzing and sharing intelligence and maintaining the safety and sovereignty of India, ठीक है, तो मतलब कि ये क्या करते हैं, ये पूरी information gather करना, maintain करना और समझ रहे हो, intelligence ब्यूरो, इनको information लानी है, simple, नाम ही इनका ये, आप information लेकर आओ, simple, ठीक है। फिर आता है CBI, Central Bureau of Investigation, 1963 में ये फॉर्म हुआ था। अब हम ऐसा सुनते हैं यूजुअली कि जो केस है वो CBI को दे दिया गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि CBI जो है वो प्रॉपर तरीके से ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्स केसेस पे, सीरियस केसेस पे इन्वेस्टिगेशन करता है, जैसे करप्शन का केस है, इकोनॉमिक ऑफेंस है या फिर कोई बहुत मेजर फ्रॉड है तो वो CBI देखता है। बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं ना, कई बार जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े पटवारी का एग्जाम हो गया, बैपम का घोटाला हो गया, ये सब CBI देखता है कि ये बड़े बड़े जो क्राइम्स है, सीरियस कॉम्प्लेक्स क्राइम्स है, उनको यही सॉल्व करते हैं। फिर आता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND, 1917 में बना था और ये क्या करते हैं, प्रमोट द साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट ऑफ पुलिस फोर्स इन इंडिया। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितने अच्छे से आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल एडवांसमेंट पुलिस फोर्स में हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, तो वो इन पे काम करते हैं। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, ये क्या करते हैं, क्राइम डेटा को रखते हैं, एनालाइज करते हैं, पूरा कलेक्ट करके रखते हैं, जिससे फ्यूचर में काम आएगा, ये 1985 में ये फॉर्म हुआ था, समझ गए। अदर देन दिस फिर आता डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस वायरलेस DCPW, 1946 में बना था, कोऑर्डिनेट द पुलिस कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड CAPFs। फिर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB, वही जो है OPM वगैरह का, कि ड्रग्स वगैरह का जो है इलीगल ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है, इलीगल कोई लेके तो नहीं जा रहा है, ट्रेड तो नहीं कर रहा है, ये सब देखते हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। फिर नेशनल पुलिस अकेडमी, वही IPS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, NPA। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस NICFS 1972 में बना था, जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस की, एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग, ठीक है, क्लियर। और फिर आता है DFSS, जिसके अंडर में सारे के सारे आपके जितने भी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं वो आ जाते हैं।
दैट्स इट, 2002 में बना है और ये 2002। और लास्ट आता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में बना है। मेन एम क्या है? टू सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन काउंटर टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस एट द नेशनल लेवल बाय डेवलपिंग हाईली ट्रेन्ड पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्कफोर्स। क्लियर? तो भाई ये सब थ्योरी है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है कि मैं आपको बैठ के समझाऊं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में सारी चीजें आती हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कौन है, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आसाम राइफल, BSF, CISF, CRPF, इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, NSG, SSP और SPG। फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में IB, आपका CIB, NCB, SFIO और NIA आता है। फिर जो एजेंसीज हैं जो कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च और साइंटिफिक सपोर्ट देती हैं, वो है BPRND, NCRB, DCPW, NPA, NICFS और DFSS। ये फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में मैंने क्यों बनाए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए ही कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए और एक बार में दिमाग में बैठ जाए। जब हम टेबल फ्लो चार्ट देखते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें बैठती हैं, और वही मैं थ्योरी के फॉर्म में यहाँ लिख के समझा देती तो नहीं समझ में आता। इसलिए पॉइंट्स, फ्लो चार्ट और टेबल्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक एक चीज बताई हुई है। क्लियर हो गई बात? अब ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे देने, जैसे कि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो। पढ़ोगे, कमेंट करोगे, तब तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग? कम्युनिटी पुलिसिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंडली, व्हेन वाज द मॉडर्न पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस? मॉडर्न पुलिस सिस्टम कब आया था? 1600, 1700, 1800, 1900। नेक्स्ट, पुलिस एक्ट ऑफ 1861 विच लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न पुलिस सिस्टम वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द रिजिन ऑफ विच ब्रिटिश मोनार्क? किसके, कौन था भाई यहाँ पे? क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड, किंग विलियम। हु इज द फादर ऑफ इंडियन पुलिस? इंडियन पुलिस के फादर कौन है? ये नाम दिए हुए हैं, ये आपको बताने हैं। विच सिटी वॉज द फर्स्ट, अरे अरे, विच सिटी वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश अ मॉडर्न पुलिस फोर्स अंडर ब्रिटिश राज? किस सिटी में सबसे पहले बना? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन हैं, इन सभी के आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगला लेक्चर जो है वो जल्दी ही आएगा, ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे क्लासेस होती हैं, मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, सब कुछ, पूरी आपकी जितनी भी NFAT की प्रिपरेशन है वो मैं करवाऊंगी। मैंने CUET PG की भी करवाई थी, CUET UG की भी करा रही हूँ और NFAT की भी चल रही है प्रिपरेशन। तो सब्सक्राइब कर लो, इतना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई चार्जेस नहीं, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।